पाकिस्तानी सूट काटने के लिए ये हमारा ऊपर का अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े में 4 मीटर कपड़ा आता है, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। इसमें से हम बीच में से काट लेंगे सलवार का अलग और कमीज का अलग। पहले हम अस्तर के कपड़े को अलग कर लेंगे। पहले हम सलवार के कपड़े को अलग कर लेंगे। सलवार के कपड़े को अलग करने के बाद में हम पहले अस्तर के कपड़े को जमाएंगे। ये रहा हमारा ऊपर का अस्तर का कपड़ा। ऊपर के सूट के कपड़े को अलग करने के लिए पहले हम इन्हें अलग करेंगे। काटने से पहले पीछे वाले कपड़े से अस्तर का कपड़ा निकालेंगे, भरे हुए कपड़े को आगे से अलग करेंगे। अस्तर के सूट काटने के लिए पहले अस्तर के कपड़े को इस तरह से हम डबल में जमा लेंगे। इस तरह से बचे हुए कपड़े से हम सलवार का बेल्ट निकालेंगे, अस्तर का कपड़ा निकालेंगे। इस तरह एक साइड से जमाएंगे हम। इस तरह से नाप कर सब दूर से देखेंगे कि बराबर आ रहा है, बाका तिरछा तो नहीं जा रहा है। उसी के ऊपर हम सूट के कपड़े को जमाएंगे डबल में। पहले इस तरह से सूट काटने के लिए कपड़ा जमाने के बाद में हमारे शोल्डर है 14 इंच, हम 7 इंच पे डबल में हमने कपड़ा जमाया है। हम चाप लगाएंगे इस तरह से। मोंडे काटने के लिए 1/2 इंच बढ़ाते हुए 7.5 इंच पे चाक लगाएंगे। गोलाई के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के लिए हम 14 इंच पर एक चाक लगाएंगे इस तरह से। यहाँ हमारी कमर का निशान आएगा। कमर है हमारी 28 इंच, 7 से लेंगे सच्चों का 28, 2 इंच बढ़ाते हुए लूज में जो हमारा सिलाई का जाएगा इस तरह से। 1 के लिए हम 18 इंच पर निशान लगाएंगे। हम शोल्डर से फिर टेप को पकड़ेंगे, 18 इंच पर एक निशान लगाएंगे। बैग है हमारी 40, 10 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। चौक बनाने के लिए हमें 20 इंच की कंप्लीट चाहिए। 2 इंच बढ़ाएंगे उठने के लिए इस तरह से निशान लगा लेंगे और निशानों को मिला देंगे। जैसे हमने चाक लगाए हैं उसी तरह से कैंची से हम काटेंगे। मोंडे काटने के लिए सीने के निशान तक जाएंगे, सीने के निशान से कमर के निशान तक जाएंगे, कमर के निशान से बैक के निशान तक जाएंगे, बैक के निशान से हमारे चाक कटेंगे। चाक के लिए कट लगाएंगे और यहाँ से चाक कट देंगे। पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। टेप देकर कैंची से कट लगा देंगे। आगे के फ्रंट को उठाते हुए हम इस तरह से थोड़ा सा सीने से पहले इस तरह से गोलाई और दे देंगे 1/2 इंच की, ताकि हमारे आगे सर नहीं आए मुंडे में। ये हमारा आगे का कमीज का कपड़ा कट गया। ये अंदर का अस्तर डबल में दोनों एक साथ कट गए। अब हम पीछे के फ्रंट को काटने के लिए ये जो आगे का फ्रंट है इसी को रख कर काट लेंगे। पीछे के फ्रंट काटने के लिए हम आगे के फ्रंट को इसके ऊपर जमा लेंगे डबल में इस तरह से। बचे हुए कपड़े से हमने आगे के फ्रंट में से 1/2 इंच या गोलाई में से निकाल लिया है, इसलिए इसमें 1/2 इंच बढ़ाते हुए पीछे के फ्रंट को इस तरह से काटेंगे।
बचे हुए कपड़े से हम स्टिंग बनाएंगे। बचे हुए कपड़े को इस तरह से हम डबल में लेकर इस तरह से जमा लेंगे। जो हमारा कमीज के पीछे के फ्रंट से बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमारी स्टिंग की लंबाई है 19, हम 2 इंच बढ़ाते हुए 21 इंच लेंगे। नीचे की बॉटम के लिए 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ऊपर से 3 इंच लेकर एक निशान लगाएंगे जहाँ से हम गोलाई लेंगे इस तरह काटने के लिए। बॉटम से गोलाई के लिए इस तरह से एक निशान लगा लेंगे टेप रखकर। स्टिंग को काट देंगे। लगाने के लिए यहाँ पर एक कैंची से कट लगा देंगे।